भारतीय जनता पार्टी के जोर के सामने लोकतंत्र और विपक्ष किस तरह से बिखर रहा है ना, उसका यह प्रमाण है दोस्तों। यह प्रमाण है और यह तस्वीर है गुजरात एयरपोर्ट की। आप देख सकते हैं यहां पर सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी के सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस जो है शिवसेना के बागी विधायकों को बाकायदा पकड़ के एयरप्लेन के अंदर बिठा रही है। वो एक मीम आजकल चल रहा है, छोटी बच्ची हो क्या? जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं, तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। जाहिर सी बात है ये विधायक छोटे बच्चे नहीं हैं, ये विधायक हैं, ये खुद चलकर जा सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की गुजरात पुलिस हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती एक तरह से प्लेन के अंदर घुसा रही है और नतीजा आपके सामने है। वो लोग बाकायदा गुवाहाटी के रैडिसन ब्लू होटल में पहुंच चुके हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे बढ़ाऊंगा और असली शिवसेना यही है। दूसरी बात उन्होंने यही कही कि शिवसेना को अब बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनानी चाहिए। यानी कि थोड़ा सा भी शक नहीं रहा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और बार बार इन दो चेहरों का नाम लिया जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस और सीआरआर पाटिल। मगर आपको मैं तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों, यकीनन महाराष्ट्र में जब आज से 2.5 साल पहले चुनाव हुए थे और उसका नतीजा आया था, तो वो बीजेपी और शिवसेना के लिए मैंडेट था। शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे महत्वाकांक्षी हो गए, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उन्होंने उनसे संपर्क तोड़ दिया। मगर यही बिहार में भी तो हुआ था ना, मैंडेट था नीतीश कुमार और लालू के लिए, मगर नीतीश कुमार ने लालू का दामन छोड़ दिया और बीजेपी के साथ आ मिले और फिर आपके सामने जो है पूरी कहानी है। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि सत्ता चाहे जिसकी आए, चुनाव में चाहे जो भी जीते, आखिरकार सरकार बीजेपी बना लेती है। ढेरों मिसालें हैं दोस्तों आपके सामने। मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में किसके नाम का मैंडेट था और आज कौन सत्ता में बैठा हुआ है, आपको इस सवाल का जवाब देने की कतई जरूरत नहीं है। मगर मैं आपको केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों। ये है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो ये कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट ने काम कर दिया होता तो 2020 से राजस्थान में हमारी सरकार होती मध्य प्रदेश की तरह। मैं चाहूंगा आप इनके इस बात को सुने और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। 18 के बाद में 2020 में मध्य प्रदेश के विधायकों ने जिस तरह से फैसला किया, थोड़ी चूकी उन टाइम सचिन पायलट जी ने थोड़ी खांगी बहंगी, अगर ठीक हो जाता तो अब तक कोई एडिशनल रास्ता के नाम प्रोजेक्ट पे काम शुरू। आप जानते हैं उनकी इस बयान की क्या दिक्कत है? उनकी इस बयान की दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह लगता है कि किसी भी राज्य में राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका दैवीय अधिकार है, ईश्वर से मिला फरमान है, चाहे चुनाव कोई भी जीते। और जहां ये लोग चुनाव नहीं जीतते हैं या जहां ये लोग सरकार नहीं बना सकते हैं, वहां की सरकारों और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज का जीना मुहाल कर देते हैं। इन चेहरों पर गौर कीजिए, अरविंद केजरीवाल किस तरह से परेशान किया, इनके 20-20 30-30 विधायकों को जेल में डाल दिया, आखिरकार अदालत की फटकार के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा। अदालत ने कहा आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रहे, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, आप आम आदमी पार्टी के विधायकों को जेल में क्यों डाल रहे हैं? क्यों? क्योंकि भाजपा इस बात को नहीं पचा पाई थी कि दिल्ली की जनता ने उन्हें जनादेश नहीं दिया। ममता बनर्जी की बात करें, ममता बनर्जी जीत कर आती हैं और उनके 5-5 मंत्रियों को जेल में भेज दिया जाता है, उन्हें भी अदालत के आदेश के बाद रिहा कर दिया जाता है और ममता बनर्जी को भी परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। उसी तरह से उद्धव ठाकरे उनसे जुदा क्या हुए, पिछले 2.5 साल से हर मौके पर उद्धव ठाकरे को परेशान करने का जो है कोई मौका नहीं छोड़ा गया है। आपकी स्क्रीन पर इन चेहरों को देखिए, शिवसेना नेता अनिल परब और एनसीपी के दो नेता जो इस वक्त जेल में हैं।
यानी कि महाराष्ट्र सरकार को भी लगातार परेशान करना। और आपको याद होगा संजय राउत ने भी क्या कहा था, संजय राउत ने कहा था कि मेरी बेटी की शादी थी और उस बेटी की शादी में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे, खाना बनाने वाले तक जो लोग थे, उन्हें तक परेशान मोदी सरकार और उनकी एजेंसीज कर रही थी। कहने का अर्थ यह दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ताकत के सामने विपक्ष को लगातार तोड़ा जा रहा है, एक एक करके तोड़ा जा रहा है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कांग्रेस के इस नेता के बयान की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है उनके इस ट्वीट के जरिए। जिस तरह से शिवसेना के विधायकों को प्लेन में भरा जा रहा है उस पर वो कह रहे हैं, MLAs आर रनिंग फॉर कवर फ्रॉम मीडिया, शाह मेड इंडियन डेमोक्रेसी अ जोक, मिसयूज ऑफ CBI, ED, गुजरात पुलिस, CISF ऑल वर्क्स एज बाउंसर्स फॉर BJP। मणिकम टैगोर क्या कह रहे हैं कि आज की तारीख में CBI, ED, गुजरात पुलिस, CISF ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के बाउंसर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते बाउंसर्स क्या होता है, क्लब्स में अक्सर, बार्स में अक्सर कुछ हट्टे कट्टे लोगों को रखा जाता है कि अगर कोई अनुशासनहीनता की जाए तो उनकी पिटाई की जाए या उन्हें क्लब के बाहर फेंका जाए। यही कह रहे हैं मणिकम टैगोर कि आज की तारीख में तमाम एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी के बाउंसर बन के रह गए। यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं प्रचार तंत्र और मीडिया का सिर्फ एक मकसद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लगातार बड़ा किया जाए और दूसरी तरफ विपक्ष को मीडिया, खासकर टेलीविजन मीडिया और जो न्यूज़पेपर्स हैं वो लगातार गाली देते रहते हैं, उन्हें टारगेट करते रहते हैं, उन्हें देशद्रोही तक बनाते रहते हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी को लगातार प्रवर्तन निदेशालय ने 5 दिन तक ग्रिल किया, सुबह से लेकर रात तक, 5 दिन तक लगातार। इस बात की खबरें भी आने लगी थी कि क्या राहुल गांधी को अरेस्ट किया जा सकता है। देखिए नेशनल हेराल्ड मामले में यकीनन हमें हकीकत तक पहुंचना पड़ेगा, जो गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए, मगर जैसे कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की पूछताछ होते हुए देखा है इन एजेंसीज के द्वारा? और सबसे शॉकिंग बात है कि इन एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है तख्ता पलट के लिए, इन एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है उन बिजनेसमैन को टारगेट करने के लिए जो विपक्ष को स्पॉन्सर करते हैं या जो विपक्ष को फाइनेंस करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव पर अगर आप निगाह डालें तो आपने देखा होगा कि किस तरह से समाजवादी की पार्टी के जितने भी करीबी बिजनेसमैन थे सब पर रेड मारी गई, चाहे इनकम टैक्स की, चाहे GST इंटेलिजेंस की। और दूसरी तरफ जो बिजनेस हाउसेस भारतीय जनता पार्टी के करीब थे उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मसलन शिखर पान मसाला, जो कि BJP की इतनी करीबी मानी जाती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि GST इंटेलिजेंस ने वहां छापा मारा था। तो कहने का अर्थ यह है कि ये तमाम एजेंसीज आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को तमाम जगहों पर सत्ता में रखने का जरिया बन गया है। और ऐसे में आप देख रहे हैं विपक्ष किस कदर कमजोर हो रहा है। कांग्रेस पिछले 5-6 दिनों से, पिछले 1 हफ्ते से सड़कों पर है। मुझे खुशी होती दोस्तों अगर मुद्दों पर भी वो सड़कों पर होते, मगर वो क्यों सड़क पर हैं? क्योंकि वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आप राहुल गांधी को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं आपने तमाम हदों को पार कर दिया। मगर मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा कि क्या सारी गलती भारतीय जनता पार्टी और उनके ताकत तंत्र की है? नहीं साहब, वो एक कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाए। भारतीय जनता पार्टी को हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे ही एक विभीषण की तलाश होती है। मसलन इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे। इन दोनों की मौजूदगी के बगैर, इन दोनों की महत्वाकांक्षाओं के बगैर, इन दोनों के लालच और स्वार्थ के बगैर ये ऑपरेशंस संभव नहीं हो पाते। ये ना भूलें मध्य प्रदेश के अंदर मैंडेट किसको मिला था? कांग्रेस को मिला था, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में लोकसभा चुनाव हार जाते हैं और एक अरसे से उन्हें इस बात को लेकर नाराजगी होती है कि मुझे CM क्यों नहीं बनाया गया, ऊपर से चुनाव भी हार गए। और साथ ही
राहुल गांधी का यह कर्तव्य था कि दोनों धड़ों को सामने बिठाकर उनकी समस्याओं का समाधान करते, वो भी उन्होंने नहीं किया। मेरे सोर्सेस बताते हैं कि मध्य प्रदेश के नेता लगातार राहुल से मिलने की कोशिश करते रहे, मगर राहुल न जाने किस दुनिया में थे, उन्होंने उनसे मुलाकात ही नहीं की और नतीजा आपके सामने है। एक अच्छी खासी सरकार जो इनके हाथ में थी वो उनके हाथ से निकल गई, और किसके जरिए? ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए, जो 22 विधायकों के साथ बीजेपी की गोद में जा बैठे। अब एकनाथ शिंदे की क्या महत्वाकांक्षाएं थी? वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, उन्हें जो मंत्रालय मिल रहा था मलाईदार मंत्रालय, उसका वो बहुत ज्यादा मलाई नहीं काट पा रहे थे, और ऊपर से उन्हें ऐसा लगता था कि उद्धव ठाकरे जो हैं पार्टी के विधायकों से नहीं मिल रहे थे। उद्धव ठाकरे का अपना पुत्र मोह भी था। तो ये तमाम फैक्टर्स और एकनाथ शिंदे की नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी ने टटोला। और ये ना भूलें, एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी अगर आज की तारीख में इनकम टैक्स या प्रवर्तन निदेशालय जांच शुरू करे तो उनकी बहुत मुश्किल हो जाएगी। उनके बैंक अकाउंट्स को ही बस खंगाल लिया जाए तो हो सकता है कि कुछ कुछ मिल जाए उन्हें। खैर, मगर ये जांच का विषय है और जाहिर सी बात है ये जांच के बाद ही सामने उभर कर आएगा। आज की तारीख में बीजेपी का प्रचार तंत्र और बीजेपी की ताकत इस कदर बेशुमार है कि उसके सामने आंदोलनों का टिकना भी मुश्किल हो जाएगा। मसलन अग्निवीर या अग्निपथ के खिलाफ यह आंदोलन, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आज तेजस्वी यादव तमाम जो आंदोलनकारी हैं उनको ले जा रहे हैं, उन्हें लीड कर रहे हैं। मगर आपने एक बात पर गौर किया होगा कि आंदोलन काफी थम गया है। क्यों थम गया है? क्योंकि मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं के बड़े अफसरों को सामने कर दिया और फिर बीजेपी के जरिए यह प्रचार चलाया जाने लगा, खासकर उनके पालतू मीडिया के जरिए, कि अब तुम सेना से सवाल करोगे, देखो सेना आकर कह रही है कि अच्छी योजना है। जबकि कुछ पूर्व सैनिक कह चुके थे और इसी मंच पर मैंने कार्यक्रम किया था, उन्होंने सवाल उठाया था कि जो सेना के ये अफसर या बड़े बड़े अफसर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या ये अपनी मर्जी से आए हैं या इन पर मोदी सरकार ने दबाव डाला है? और अग्निवीर योजना को लेकर कोई और सवाल नहीं खड़े कर रहा है, खुद कुछ पूर्व सैनिक सवाल खड़े कर रहे हैं, और इनमें से ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो इस सरकार के खासम खास हैं, मसलन ये शख्स जनरल जीडी बख्शी, इसके अलावा और भी कई जनरल्स हैं, जनरल हुडा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया हैं, मेजर जनरल यशमोर हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, मगर इनके पास काट क्या है कि जो आंदोलन कर रहा है वो देशद्रोही है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो उन्हें जिहादी तक बताना शुरू कर दिया। एक तरफ पूरा प्रचार तंत्र जो आंदोलनकारी छात्रों को टारगेट कर रहा था, दूसरी तरफ ये तमाम जो छात्र जो आंदोलन कर रहे थे वो गरीब घरों से आते हैं, वो अपना तमाम बेचकर इन एग्जाम्स और इसके लिए कोचिंग लेते हैं। अब आप सोचिए, जब सेना यह धमकी दे दे कि जो आंदोलन करेगा हम उसे सेना में नहीं लेंगे, तो उस धमकी के बाद किसकी हिम्मत होगी आंदोलन में हिस्सा लेने की? तो यहां पर भी मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद के जरिए आंदोलनकारियों को दबाती है। जो इनके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा वो देशद्रोही कहलाया जाएगा। पहले जेएनयू वालों को देशद्रोही बताया गया, उसके बाद शाहीन बाग जब आंदोलन कर रहा था उन्हें पाकिस्तानी देशद्रोही बताया गया, किसान को खालिस्तानी बताया गया, और अब जो अग्निवीर योजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उनमें तो कई मिश्रा, पांडे, चतुर्वेदी और सिंह थे, वो भी देशद्रोही बन गए। तो जो भी इस सरकार से सवाल करेगा, उनके खिलाफ आंदोलन करेगा, उन्हें इन्हीं शब्दों से नवाजा जाएगा। और ये है इनकी बेशुमार ताकत, और इसी बेशुमार ताकत के सामने लोकतंत्र और विपक्ष दोनों धराशायी हो रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है, मगर मेरा क्या मकसद है दोस्तों? मेरा मकसद है कि मैं आपके सामने हकीकत लेकर आऊं। अब इस हकीकत पर आप क्या सोचते हैं यह आपको तय करना है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।